नमस्कार प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो नवोदित कलाकार है वो बांसुरी की टेक्निक को किस तरह से सीखें और किस तरह से उसका प्रयोग करें। ये प्रोग्राम आदरणीय सौभाग्य गंधर्व जी के निर्देशन में हो रहा है और इनका ही ये प्रयास है कि भई बांसुरी की अच्छे से अच्छी जानकारी नवोदित कलाकारों तक पहुँचे। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि भई हम उस्तादों को या पंडितों को इसके विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं, वो तो गुणीजन लोग हैं, गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं और सबके गुरु हैं। केवल ये नवोदित कलाकारों के लिए ही इस प्रोग्राम का महत्व तो है कि वो किस तरह से बांसुरी की टेक्निक को सीखे। हालांकि संगीत एक जो विद्या है वो गुरुमुखी विद्या है। गुरु के सन्मुख बैठ करके आप जितना सही ढंग से इसका अध्ययन, इसका चिंतन मनन कर सकते हैं, वो YouTube के माध्यम से या इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रमों से इसकी जानकारी को, इसकी गहराई को समझना बहुत कठिन है। हाँ, ये है कि गुणी जनों के बीच बैठ करके, गुरुजनों के बीच सामने बैठ कर, गुरु जी के सामने बैठ करके अगर इस विद्या का अध्ययन चिंतन मनन किया जाए तो हम और भी बारीकी से और बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी गहराई को समझ सकते हैं और इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हमारी परंपरा से और हमारे शास्त्र से, हमारे आराध्य भगवान से इसका नाता है और अनादि काल से इसको अध्ययन करने वाले इसका अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और जो इसका स्वरूप आज हमारे सामने है उसके पीछे विद्वानों का बड़ा संघर्ष, बड़ा प्रयास, बड़ी तपस्या, त्याग है, तब जा करके इसका स्वरूप आज हमें जो देखने के लिए मिलता है वो सर्वविदित है। सब जानते हैं कि इसका क्या स्वरूप है। बांसुरी है, बांसुरी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी, जिनका अध्ययन होना चाहिए और जिनके ऊपर गौर करना चाहिए। जैसे कि बांसुरी की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, बांसुरी की फूंक अच्छी होनी चाहिए और फिर ताल है, स्वर है और लय है। ये पांच चीज़ें बहुत ही परम आवश्यक हैं। इनके ऊपर गुरु के सामने बैठ करके हम जितना अच्छे ढंग से इसका अध्ययन कर सकते हैं, जितने अच्छे ढंग से इसको हम साध सकते हैं, उतना अच्छा इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसमें हम थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के जो निदेशक है उनका बहुत अच्छा प्रयास है कि वो बांसुरी के साहित्य के बारे में बता रहे हैं, बांसुरी के प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस है जो आपके सामने आई है, बहुत बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में वो
ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जानकारी आप तक पहुंचे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने भी स्वयं प्रोग्राम देखा कि स्केल शिफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये बांसुरी वालों के लिए बड़ा एक जटिल विषय होता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि हम इसकी चाबी से इसके स्वर को चढ़ा या उतार सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका स्वर फिक्स होता है और इस फिक्स स्वर की इसकी जो प्रकृति है उसके अनुसार जब हम बहुत सारे म्यूजिशनों के साथ, बहुत सारे संगीतकारों के साथ इसका प्रयोग करते हैं, किसी गायन में, किसी और विधा में, चाहे वो सुगम संगीत है, चाहे और कोई संगीत की विधा है, चाहे लोक संगीत है, अर्थात जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशन होते हैं, उस समय बड़ी दिक्कत सामने आती है। हालांकि जो गुणीजन लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ी मामूली चीज़ है, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। खास करके जो नवोदित कलाकार होते हैं उनके लिए थोड़ा जटिल विषय हो जाता है कि भाई कैसे तालमेल और संगीतकारों के साथ अपना तालमेल बिठाए और बांसुरी को कैसे ट्यून करें। तो उसके संबंध में जो एक स्केल शिफ्टिंग का जो तरीका हमारे इस प्रोग्राम के जो निर्देशक है उन्होंने जो बताया वो बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत अगर उसको सीखा जाए, उसके ऊपर चिंतन मनन किया जाए, क्योंकि जो यूट्यूब पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और स्केल शिफ्टिंग चार्ट भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, अगर उसको गौर से आप नवोदित कलाकार खास करके अगर गौर से उसको पढ़ें और उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करें तो बहुत उसे एक सरलता मिल सकती है, बड़ी आसानी हो सकती है। और फिर जहाँ तक एक रागदारी का सवाल है, वो ऐसा है कि हमारे गुरुजनों ने जो हमको बताया कि जो नवोदित कलाकार होते हैं उनको सबसे पहले यमन सिखाते हैं और सुबह के समय भैरव सिखाते हैं और शाम के समय और भी कई ऐसे कलाकार हैं जिसमें कि हम दोनों मध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। भैरव जैसा है तो उसमें रे और धा कोमल है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। भैरवी है तो उसमें रे गा धा नी कोमल है, उसका प्रयोग। तो इस तरह के रागों को सिखाते हैं, इस तरह के रागों पर अभ्यास कराते हैं ताकि हर एक बारीकी हमारे अध्ययन में और हमारी साधना में, हमारी साधना से गुजर सके और उसका हम लाभ प्राप्त कर सके। तो आज मैं भी राग यमन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राग यमन में जैसे बड़ा ख्याल होता है और छोटा ख्याल होता है, इसमें ब्रह्मपित एक ताल का प्रयोग होता है, ब्रह्मपित तीन ताल का प्रयोग होता है, झूमरा का प्रयोग होता है, और इसमें राग का विस्तार किस प्रकार किया जाता है। पिछली दफ़ा भी ये प्रयास किया था कि भाई आप तक पहुँचे, लेकिन उसमें संयोग ऐसा रहा कि उस दिन कार्यक्रम के निदेशक हमारे कहीं अनियंत्रित थे किसी विशेष कार्य से, तो ठीक तरह से वो आप तक नहीं पहुंच पाया वो प्रोग्राम। तो जो कार्यक्रम के निदेशक उनके कथनानुसार इसको दोबारा हम आपके सन्मुख ले आ रहे हैं, उनके कथना कहने के अनुसार। तो किस तरह से हम विस्तार करते हैं बड़े ख्याल में और छोटा ख्याल किस तरह से होता, राग का विस्तार कैसे होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आज मैंने ब्रह्मपित एक ताल लिया है तो इसमें दो मात्रा का भी भाग लिया है, अर्थात 24 मात्रा के बाद इसका जो सम आता है उसका मुखड़ा आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें चार मात्रा का विभाग भी होता है। चार मात्रा का विभाग इसलिए नहीं लिया कि उसका ताल और उसका जो ताल है और उसका जो विभाग है, उसका जो तरीका है,
वो पहले अध्याय में YouTube पर पड़ा हुआ है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन दो मात्रा का विभाग कैसा होता है उसके बारे में मैं आज आपके सम्मुख इसका विस्तार कर रहा हूँ। आशा विश्वास है कि इसका आपको लाभ प्राप्त होगा, और इस बीच जो भी कोई आपके प्रश्न हो तो उनके उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे हम अपनी शिक्षा में कुछ इजाफा करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा भी ये प्रयास रहता है कि अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे, और नवोदित कलाकारों का ये भी एक प्रयास होता है कि भाई उनको भी कोई जानकारी और उनका कोई अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर उनको ठीक तरह से मिल सके। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये तो गुरुमुखी विद्या है, इसको ठीक ढंग से तो आप तभी ही सीख सकते हैं जब आप गुरु के सम्मुख बैठ करके इसका अध्ययन करें, इसको साधने की कोशिश करें। लेकिन ये ऐसे प्रयास है जैसा ये आज का प्रयास भी है और प्रयास भी है। मेन मकसद इसका ये है कि हम कैसे अपने अध्ययन को बेहतर से बेहतर कर सकें, तो उसका लाभ हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कमियां भी रह जाती है, तो कमियां तो संगीत की कमियां कभी पूरी नहीं होती, ना संगीत को कोई ये कह सकता कि भाई हमने इसमें पूर्णता प्राप्त कर ली है। लेकिन फिर भी अध्ययन से और साधना से इसकी कुछ बारीकियों को अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, जिसका हम आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ रागयमन, विश्वास है आपको पसंद आएगा। Thank you.
तो ये जैसे मैं बढ़त कर रहा हूँ, ये हमारे परम पूजनीय गुरु जी ने, विष्णु प्रसन्ना जी ने हमको बताया कि आपको हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो किराना घराना के ढंग से हम आपको राग की बढ़त में बता रहे हैं। तो राग की बढ़त एक एक स्वर करके जैसे हम आगे को बढ़ते हैं और नीचे मंत्र में हमारे पास स्वर रहते हैं, उसमें हम कैसे उलट सुलट करके उनको किस प्रकार से नए नए तरीके से हम स्वरों का प्रयोग करें, इसकी विशेषता ही ये है। किराना घराना ही एक ऐसा घराना है जिसमें आज पूरे जितना भी संगीतकारों का वर्ग है, गायक है, वादक है, सभी किराना घराना का महत्व इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना इसमें एक स्वर की बढ़त करते हुए आगे को जाते हैं और उसमें ही एक आलाप आ जाता है, उसी में जोड़ आ जाता है और उसी में ताने तीहे पलटे सब कुछ आ जाता है। तो एक राग अगर कंप्लीट करना है तो एक राग को कंप्लीट करने के लिए इतना भी इसमें गुंजाइश है कि आप एक घंटे से ले करके पूरा चार चार घंटे तक भी आप एक राग का विस्तार कर सकते हैं। ये राग किस तरह से इसका विस्तार और कैसे इसके स्वरूप और इसकी शक्ल नए नए किस्म से श्रोताओं के सामने प्रकट होती है, कलाकार के विवेक पर भी डिपेंड करता है और उसकी सिखलाई पर भी डिपेंड करता है कि कैसी उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है और कैसे उसने अपने गुरु जी से अध्ययन करके इसको साधा और इसका वो किस तरह से बताने की कोशिश या उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना इसमें धीरे धीरे से एक सुर का बढ़त करते हुए ऊपर तार सब तक स्वर तक जाते हैं। अब क्योंकि समय का एक सीमा होती है तो उस समय के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ सको। Thank you.
बाद हम सवाल के आंसर्स करेंगे थोड़ी देर में। और पंडित जी पूछ रहे हैं इसमें कि जो विस्तार हो रहा है आपका एक एक आवर्तन के बाद जैसे आपने सुनो की बढ़त करी और अब तानों का पोषण हमारा आ गया है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। कौन पूछे? पूछ रहे हैं आप बताते रहिए बस। अच्छा सर, मध्यलय तीन था
तो ये थोड़ा सा यमन में द्रुत आपने सुनी, तो इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं और इसका अंतरास्थाई आपने सुना। तो क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉनिक तबला है हमारे पास, इसको अपने ये अपने मूड से चलता है, तो ये ऐसा वाद्य यंत्र है कि जो भावना रहित है, और संगीत में भावनाओं का बड़ा खेल होता है। मन मिले, मनों की बात हो आपस में, तो बात बनती है। तो ऐसा भी कभी अगर मौका है तो ईश्वर ने चाहा तो वो भी आपके सम्मुख उस तरह की भी प्रस्तुति होगी। ये ख्याल अंग है, और किराना घराना का जो उस जो एक स्टाइल है उसका एक छोटा सा नमूना, या मैं ये कहूँ कि अगर कहूँ कि 100 में से कोई 1% या 2% आपके सम्मुख इस वक्त ये प्रस्तुति हुई है, और अगर इसको बेहतर तरीका से अगर सुनना है, जो कि एक इसका एक तरीका है, तो हमें मैं ये कहूँगा कि मुझे एक राग को प्रस्तुत करने के लिए 4 घंटे दीजिए, फिर देखिए आप कि आप किस तरह से इसका स्वरूप निखर करके आपके सामने आता है, कैसे इसका आलाप होता है, और किस कैसे फिर इस ये जोड़ में किस तरह से परिवर्तित होता है, फिर इसमें ताने किस तरह से आती हैं, और तो इस तरह से तो संगीत के लिए टाइम तो चाहिए, और शॉर्ट टाइम में ये सब कुछ निभा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उसके लिए एक पूरी टीम चाहिए, तबले वाला भी एक ऐसा व्यक्तित्व सामने होना चाहिए जो भावनाओं को समझे, मैं उनकी भावनाओं को समझूं, वो मेरी भावनाओं को समझे, तो कुछ सवाल जवाब संगीत का आदान प्रदान हो सकता है। एक सवाल यह है कि कोमल स्वरों को आसानी से कैसे बजाया जाए। कोमल स्वरों के लिए जो नए सीखने वाले हैं उनको तो ये एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के सन्मुख बैठ करके जितना आप इसका अध्ययन करोगे उतना आप इसको समझ पाओगे। मैं कोशिश करता हूँ कि देखो आप के सामने देखो, जैसे ये शुद्ध स्वर है, देखिए अब शुद्ध और कोमल देख लीजिए आप, शुद्ध स्वर भी आ गए, कोमल स्वर भी आ गए हैं, और अलंकारों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सम्मुख पेश करता हूँ, जैसे कि
ये सादे सुर का अलंकार हो गया, ये शुद्ध स्वर में हो गया। ऐसे ही इसको कोमल स्वर में साध सकते हो। लेकिन कोमल स्वरों को भैया आप तभी ही साधना जब आप अपने गुरुजी के सामने बैठे हो, हैं? लेकिन अगर आपने अकेले इसको साधने की कोशिश करी तो वो गौ से घपला हो सकता है। तो गुरुजी के सामने बैठ करके इसको साधने का प्रयास करें तो फायदा, और तंत्रकारी में और गमक में इसकी साधना होनी चाहिए। ये तंत्रकारी से, तंत्रकारी को आप ऐसे साधिए, और इसका कई तरह के प्रकार बनते हैं। अभी इतने शॉर्ट टाइम में कितने बता, मैं तो आपको तंत्रकारी के दसियों किस्म के प्रकार बता सकता हूँ अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो। अच्छा, एक सवाल और आया है कि जो पहाड़ी गाने हमारे हैं, लोकगीत जो है, हाँ, तो इसमें रागों का प्रयोग कैसे होता है? भैया ऐसा है कि जितना भी ब्रह्मांड का संगीत है ये सात स्वरों के बीच में ही बंधा हुआ है, और रेगा धनी कोमल, तो ये 12 स्वर है, 12 स्वरों के बीच ही सारी संगीत की जो भी रचना है और संगीत, पूरा संगीत जो समाया हुआ है सब इन स्वरों के अंदर ही है। इसी में लोक संगीत भी है, ज़्यादातर लोक संगीत में ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि अब पहाड़ को ले लीजिए तो पहाड़ के संगीत में पहाड़ी राग का ज़्यादा प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे पहाड़ है तो पहाड़ी राग का ज़्यादा प्रयोग होता है। अब राजस्थान में चले जाए तो वहाँ पर मांड राग का ज़्यादा प्रयोग होता है। इस तरह से अलग अलग इसमें प्रयोग होता है। तो रागों से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं, और इनकी राग की अगर सही तरह से अगर पहचान करनी है तो इसके लिए आपको रागदारी सीखनी पड़ेगी भैया, गुरुजी के पास जा कर के, तब आपको रागदारी का सही सही पता और अनुमान लग सकता है। और रागदारी आपने सीख ली और रागदारी आपके हृदय में रच बस गई तो आप किसी भी रचना की ये परिभाषा निकाल सकते हो, और किसी भी संगीत की रचना को ये समझ सकते हैं आपकी कौन सी राग में इसकी रचना हुई है। अच्छा, एक बड़ा रोचक सा सवाल आया कि गुरुजी कोमल स्वरों में गमक कैसे बज सकती है, और मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने आपको ही अपना गुरु मान लिया। अरे भैया सभी स्वरों में बजती है, तो गमक का प्रयोग तो सब में ही होता है। इसमें देखो गमक है, गमक होती है, बांट होती है, घसीट होती है, खटका, मुरकी, ये सब चीज़ें होती है। इसको संगीत की भाषा में कहते हैं कि चार पट, चार दरवाजे होते हैं, चार दरवाजे, इनका सबका अध्ययन करना चाहिए और सबके ऊपर तपस्या और रियाज करना चाहिए। जब इनका सबका जब समन्वय करते हैं तो गायकी अंग की उत्पत्ति होती है। उसमें गमक भी आती है, तंत्रकारी भी आती है, सरगम वगैरह सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जैसे
जैसे कोमल स्वर वाले भी हाँ, तो उनमें तो कमक लगती, हाँ, लगती है और क्या, कैसे नहीं लगती। जैसे ये तंत्रकारी होगी ना, ये गमक आ गई भैरवी में, भैरवी में ही मैंने सरगम सुनाई और भैरवी में ही इसकी गमक आ गई। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बजाते हुए देखा, उसमें एसी चल रहा है यहाँ पर सामने जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो मेरे इस सुर की बांसुरी का सुर थोड़ा सा उतर गया, तो मैंने चढ़े हुए हल्के से चढ़े हुए सुर की बांसुरी ये बदली थी कि नहीं बदली थी। तो मौसम का असर इंसान से ज़्यादा साज पर होता है भैया, और हमारे गुरु जी तो ये हमारे को गाइड करते थे शुरू में। अब जब जब तो जवानी का जोश होता है, जवानी की ताकत होती है, तो स्वर में 19-20 ताकत के बल पर भी आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जवानी के जोश में और जवानी की ताकत से आप स्वर की थोड़ी बहुत अगर 19-20 का अंतर है तो उसको आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ज़्यादा एज में, जैसी मेरी एज है अब 73 साल की एज है, तो मुझे एक रूप में और एक इसमें क्या कहते हैं एक अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मेरा एक फ्लो सांस का फ्लो है, तो उस फ्लो को ध्यान में रखते हुए मेरे को चढ़ी बांसुरी भी होनी चाहिए मेरे पास, और उतरे हुए स्वर की बांसुरी भी होनी चाहिए। अगर गर्मी है तो उतरी हुई बांसुरी अपने आप वो मौसम का प्रभाव लेकर के थोड़ी सी चढ़ जाएगी तो मेरे को आसानी हो जाएगी इस उम्र में। अगर सर्दी में जाता हूँ तो सर्दी में वो उतर जाएगी, तो जो चढ़े हुए स्वर की बांसुरी है वो वहाँ पर साथ देगी। तो मौसम का असर साज पर बहुत पड़ता है, खास करके बांसुरी पर तो बहुत पड़ता है। बांसुरी का, अब बांसुरी के नाम तो आप जानते हो, इसको बांसुरी बोलते, एक नाम इसका बांसुरी है और दूसरा नाम इसका है क्या, वेणु हैं, और एक नाम बांसुरी वेणु हैं, और इसको राधा, कृष्ण की राधा भी बोलते हैं और माया भी बोलते हैं। सारे जो नाम है स्त्रीलिंग से मैच करते हुए, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बड़ी नाजुक चीज़ है, जैसे नाजुक एक हम कह सकते हैं, हालांकि नाजुक महिलाओं को नाजुक कहना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ये है कि जैसा छोटा बच्चा बड़ा नाजुक होता है उसके ऊपर मौसम का असर होता है, ऐसे ही असर इसके ऊपर भी बांसुरी पर होता है। तो बांसुरी के लिए ये भी हमारे गुरु जी हमको गाइड करते थे कि भाई आपके पास जो है ना चढ़े हुए और चढ़े स्वर की और उतरे हुए स्वर की कम से कम कोई 4 बांसुरियाँ होनी चाहिए, आपको बड़ा फ़ायदा देगी, गुरु जी बोलते थे। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर हरिष्ट पुष्ट है, जवानी का जोश है, तो उसमें आप एक बांसुरी में भी अपने दम के आधार पर उसको चढ़ा और उतार सकते हैं, उसका लाभ ये है। लेकिन ज़्यादा उम्र के साथ जो ना अगर 4 बांसुरी चढ़े और उतरे हुए स्वर की आपके पास हो तो आपको बड़ा फ़ायदा उससे होता है, और सब बांसुरियों पर अभ्यास करते रहना चाहिए। बांसुरी वालों के पास तो 24 बांसुरियों का सेट होता है, एक सेट में 24 बांसुरियाँ होती है, तो आप देखिए कि 24 अगर बांसुरियाँ, 24 बांसुरियों के ऊपर आपका हाथ लगता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। क्योंकि इसके लिए भी कहावत, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, इसका उत्तर क्या है आप दीजिए, कि क्या उत्तर है इसका। इसका उत्तर है, हाँ दीजिए, आप इसका उत्तर दीजिए मेरे को, अगर आपके पास इसका उत्तर नहीं है तो मैं इसका उत्तर दूंगा। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, इसका उत्तर क्या है। अच्छा, एक सवाल आया है पवन सिंह जी का, गुरु जी क्लासिकल म्यूजिक की समझ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए।
क्लासिकल की म्यूजिक को की समझ को बढ़ाने के लिए तो आपको क्लासिकल ही सीखना चाहिए और उसका गहन अध्ययन करना चाहिए और अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनना चाहिए, अच्छे साजिंदों को सुनना चाहिए, अच्छे गायकों को सुनना चाहिए, विद्वान लोगों को सुनते रहो। हैं तो उसके लिए भी एक कहावत हमारे बुजुर्गों ने बड़े अच्छे दिए कि खरबूजा खरबूजे के साथ रंग बदलता है। जैसी हमारी संगत होगी, जैसी हमारी जैसी संगत में उठना बैठना होगा तो उसकी रंगत हमारे साथ ज़रूर उसका मेल खाएगी, तो उसका प्रभाव होगा, संगत का असर होता है। अच्छे कलाकारों को आप सुनेंगे तो उसका असर ज़रूर होगा, उसका प्रभाव आपकी आत्मा अवश्य ग्रहण करेगी। जिन्होंने सवाल पूछा था पवन सिंह जी ने, यही वाला सवाल क्लासिकल म्यूजिक के समझ के लिए, इन्होंने आपके सवाल का आंसर किया है पवन सिंह जी ने, फेरा नहीं था। हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्या बात है, मान गया मैं आपको, फेरा नहीं था, वाह वाह, मैं आपको ताली ताली बजाता हूँ उसके लिए। इसका उत्तर है पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, इसका उत्तर है फेरा ना था। पान के पास, पनवाड़ी के पास पान की टोकरी होती है, अगर उस टोकरी के पान को वो पलटता नहीं रहेगा तो पान सड़ जाता है, हैं? और विद्या के ऊपर, साज हो चाहे गला हो चाहे कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपना नित्य प्रति काम करते नहीं, अध्ययन नहीं करते रहेंगे तो वो विद्या है बिसर जाएगी। बिसर जाएगी का मतलब क्या कि भूल जाएगी। और घोड़ा अड़े, रेस की मैदान में घोड़ा होता है, अगर घोड़सवार अगर घोड़े के ऊपर सवारी करता नहीं रहेगा तो वो दौड़ते हुए अड़ जाएगा। श्वेता मित्तल जी का सवाल आया, गुरु जी प्रणाम, बांसुरी में कोमलता कैसे लाएं एज ए बिगनर पूछ रहे हैं। एज ए बिगनर कोमलता आ ही नहीं सकती, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और आप उसको बांसुरी को समझते जाओगे और बांसुरी आपको समझेगी, आप बांसुरी को समझेंगे, वैसे वैसे आप दोनों आपस में जब दोनों का मिजाज मिलता जाएगा तो कोमलता अपने स्वतः ही प्रकट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप बांसुरी का संग करोगे, साथ करोगे, वैसे 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 धीरे धीरे आप कोमलता को ग्रहण करते जाओगे। जैसे जैसे हाँ, अच्छा मनोज जी साथ ही पूछ रहे हैं, गुरु जी बांसुरी सुर में बज रही है या नहीं, ये कैसे पता लगता है, इसको कैसे पहचान? इसके इसकी पहचान के लिए भी भैया अभ्यास की आवश्यकता है। और स्वर पेटी, जैसे ये स्वर पेटी है, ये देखो आप इसकी ध्वनि सुन रहे हैं, ये स्थिर स्वर की स्वर पेटी है, ये देखो ये स्वर पेटी है, ये स्थिर स्वर की स्वर पेटी है, ये स्थिर स्वर की स्वर पेटी है। और एक स्वर पेटी ऐसी होती है, देखो ये एक, ये बिल्कुल तानपुरा के टोन की है, जैसे तानपुरे की टोन आती है। तो जो बिगनर जो होता है ना, जो पहले जो नया सीखने वाला होता है, उसके पास इस तरह की बांसुरी, इस तरह की स्वरपेटी होनी चाहिए। अगर वो अकेले अभ्यास कर रहा है तो, अगर गुरुजी के साथ बैठ के अभ्यास कर रहे हैं आप, तो गुरुजी आपको बीच बीच में रोकते रहेंगे, बताते रहेंगे कि भैया आपका स्वर मिला है कि नहीं मिला। तो ये कैसे पता लगता है, इसका इसको जैसे हम स्वरपेटी को ऑन करते हैं और बांसुरी बजा रहे हैं तो स्वर क्या, कैसे पता लगता है ये बांसुरी के स्वर का? ऐसे पता लगता है जैसे ये मैंने मिलाया, ये देखिए, अब देखो स्वरपेटी और बांसुरी का स्वर एक जैसा लग रहा होगा आपको, ये बांसुरी स्वरपेटी का स्वर आ रहा है, ये ईश्वर ने यहाँ पर जगह दे रखी है ना। एक तो बांसुरी यहाँ पर टकाते हैं ऊपर, ओंठ के ऊपर नहीं टिकानी चाहिए बांसुरी, यहाँ पर बांसुरी टिकानी चाहिए। ये जो जगह कृष्ण भगवान ने जिन्होंने जो जगह बना के दी आपको, ये बांसुरी के लिए यहाँ दी है, यहाँ टिकनी चाहिए। अगर यहाँ टिकेगी तो आपकी बांसुरी में स्थिरता आ जाएगी, स्वर शुद्ध लगेगा। अगर यहाँ टिकाओगे तो वो डिस्टर्ब रहेगी। कैसे डिस्टर्ब रहेगी? क्योंकि ना यहाँ पर कंट्रोल है बांसुरी का,
जब अंदर को बांसुरी हो गई तो ऐसे अगर अंदर को मुड़ गई तो उतर जाएगी, अगर बाहर को हो गई ऐसे तो चढ़ जाएगी। और वह और स्वर जैसा है इसका, जैसे ही आपकी बांसुरी बेसुरी हो जाएगी तो उसमें वाइब्रेशन आएगा, अस्थिरता आएगी ऐसे, जैसे कि सा कंपन उसमें आपको दिखेगी। कंपन अगर कंपन आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी बांसुरी बेसुरी है। अगर उसमें स्थिरता आ रही है, कंपन नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि मेरी बांसुरी सुर में है। इससे पहले भी जो वीडियो हमारे इस कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय सौभाग्य गंधर्व जी, उन्होंने आपको समझाया इसके बारे में पहले वाली रिकॉर्डिंग में, बहुत पहले समझाया। आप YouTube पे उसको देख लीजिए कि अगर वाइब्रेशन आ रहा है तो बांसुरी आपको मिल नहीं रही, अगर स्थिरता आ रही है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये बांसुरी का स्वर है कि स्वरपेटी का स्वर है। सचिन पाल जी पूछ रहे हैं, पतले बांस की बांसुरी और मोटे बांस की बांसुरी में कोई डिफरेंस होता है? सिमिलरली हैवी बांसुरी और लाइटवेट बांसुरी में क्या डिफरेंस है? तो सेम ही है। हाँ हाँ, डिफरेंस बहुत है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है भाई। ये इसके लिए कहावत है कि जिसका तोल उसका बोल है। बांस जो ना मीडियम साइज का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो है। ज़्यादा पतला भी अगर अब पतला सा अगर आप व्यक्ति आपके सामने हो तो आप उसको ऐसे फूंक मार के धक्का दे के भी गिरा सकते हो। अगर तगड़ा कोई पहलवान होगा तो आप खुद भी उससे डरेंगे कि भई यार कहीं वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए है। तो मीडियम साइज़ की बांसुरी होनी चाहिए, जिसकी मोटाई लगभग ऐसी हो जैसे देख रहे हो ना आप, दिख रही है ना आपको, इतनी मोटाई होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, इसी साइज़ की बांसुरी होनी चाहिए। अब ये देखिए थोड़ा सा अंतर है ना इसकी मोटाई में, आप महसूस कर रहे हैं ये अंतर, इसीलिए रखा हुआ कि ये बिल्कुल फिक्स स्वर में है और ये थोड़ी सी चढ़े स्वर के लिए, तो इसका पतला बांस है। तो पतले और मोटे बांस का असर ज़रूर होता है, तो आप इसको रखिए, इसका भी ध्यान रखिए कि मीडियम साइज़ की बांसुरी होनी चाहिए और पक्के बांस की बांसुरी होनी चाहिए, कच्चे बांस की बांसुरी नहीं होनी चाहिए। ये भी जो आपके गुरुजी है, आपके जो आपको सिखाने वाले ईश्वर स्वरूप जो गुरुजी है, वो आपको बता सकते हैं कि भाई किस तरह की बांसुरी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और भी है, कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि हाँ, जैसे कि हर एक स्वर राग है, राग में किसी में कुछ स्वर वर्जित है, किसी में कुछ स्वर वर्जित है। ये मेरे पास भी ये सवाल कई बार आता है कि हाँ किसी राग में कुछ स्वर वर्जित है, तो क्या किसी राग में सा भी वर्जित हो सकता है? कमाल है, आप क्या बगैर बुनियाद के घर बना सकते हो? हाँ। है, अगर बुनियाद ही ना हो और घर बना दिया जी आपने, कितनी मंजिल का बनाया जी? ये सवाल भी पूछ लेते हैं। 50 मंजिल का मकान बनाया जी, 100 मंजिल का मकान बनाया और नीचे बुनियाद नहीं है, तो कहाँ टिकाओगे उसको भैया? आप कहीं हवा में महल बनता है क्या? हवा में महल नहीं बनता है। तो सा तो बुनियाद है, बेस है, अगर सा ही हट गया, बुनियाद ही मकान की हट गई, तो वो मकान कभी टिकने वाला नहीं, ना बन सकता। तो सा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और हर एक प्रथम स्वर सा होता है, हर प्रथम ध्वनि सा। श्वेता मित्तल जी पूछे, गुरुजी ब्रेथ में सांस में, एक मिनट कहाँ गया, गुरुजी ब्रेथ में माँ से पास जाने में दिक्कत आए तो प्रैक्टिस कैसे करें? मतलब सांस की कमी पड़ती है, अगर माँ से पास जा रहे हैं तो इसकी क्या प्रैक्टिस करें? पड़ती है, दम की कमी पड़ती है भैया, तो इसको दम को अच्छा बनाने के लिए मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी हम मुझे तो यही शिक्षा देते थे कि भाई दौड़ लगाया करो, सुबह उठो और दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओगे तो आपका दम बन जाएगा है। अगर दौड़ नहीं लगाओगे तो दम में कमी रहेगी, तो अगर थोड़ा सा अगर दौड़ लगाते तो दम बन जाएगा, क्योंकि ना हमारे को बड़े आराम परस्ते हैं, हम घर में बैठे रहने की ज़रूरत है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, सोफ़ा सेट से उठने का मन नहीं करता, तो फिर वो दम कहाँ से रहेगा? इतना दम कम हो गए, खुराक भी ऐसी हो गई है, पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे,
मोमो खाओगे तो कहाँ से ताकत आएगी। वो देसी घी का और लस्सी का ज़माना तो गया भैया, अब तो चाय का ज़माना है और देसी घी को कौन पूछता है। कहने का मकसद ये है कि अच्छी खुराक का होना भी बड़ा ज़रूरी है, एक्सरसाइज का होना भी बड़ा ज़रूरी है। बांसुरी भी एक योग है, जैसे योग में योग से हमारे शरीर में ताकत मिलती है, हमको हमारे हर एक चीज़ को एक बल मिलता है। अगर थोड़ा बहुत अगर हम मेहनत करें, थोड़ा बहुत दौड़े, श्रम करें, तो हमारे फेफड़ों में जान आएगी, ताकत आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की तरफ भी हम ध्यान दें और खुराक की, बेहतर खुराक की तरफ भी ध्यान दें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, अगर हमने सपोज अगर एक 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 चम्मच घी का लेना है और उसकी जगह हमने आधा किलो घी ले लिया, तो तब तो उससे फेफड़े तो जाम हो ही जाएंगे भैया, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लिमिट में हर एक चीज़ है, दायरे में रह करके हर एक चीज़ अच्छी लगती है, और दायरे में रह करके जो भी चीज़ की जाती है वो लाभ ही देती है, शरीर को भी देती है, हर एक चीज़ को लाभ देती है। तो ऐसा मेरा मानना है, आप भी इसको अपनाने की कोशिश करें। गुरुजी, क्या बांसुरी से के सुर हमारे शरीर पर और मन पर भी प्रभाव डालते हैं? क्यों नहीं डालते? बांसुरी भैया ईश्वरीय वाद्य है, कृष्ण भगवान जी का वाद्य है, और हमारे ये तीन वाद्य अंतर ऐसे हैं जो प्रकृति के निर्माण के साथ ही हैं, हमको मिले हैं। एक वाद्य अंतर डमरू है भगवान शंकर जी का, एक वाद्य अंतर शंख है जो भगवान जी के हाथ में जिसको देखते हैं आप, और एक वाद्य अंतर बांसुरी है जो श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ में आप देखते हैं। तो बांसुरी, शंख और डमरू ऐसे वाद्य यंत्र है जो हमारे पुरातन सनातन है, सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और अनादिकाल से है, और इसमें ऐसी शक्ति है कि जो हमारे को तरह तरह के लाभ देती है। ये सवाल आया है हैप्पी डायरी पर्स में, अंतर्गत धार की दूरी क्या होती है गुरुजी? क्या है क्या अंतर्गत धार की दूरी क्या होती है गुरुजी, और क्या शास्त्रीय संगीत में मूर्छना का प्रयोग होता है कि नहीं? हाँ होता है, हर एक चीज का प्रयोग होता है। मूर्छना तो आपकी स्केल शिफ्टिंग हाँ, 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 और क्या, इसका प्रयोग भी होता है। लेकिन ये आपका जो ना क्वेश्चन है, ये तब का क्वेश्चन है जब कम से कम आपको 20 साल संगीत की साधना करते हुए हो जाएंगे, तब आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इससे पहले नहीं समझ सकते। अगर ये चाहो कि आज संगीत का अभ्यास करने हम बैठे और आज ही हमारी समझ में आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। हैं, श्रुतियाँ तो 22 है, 22 श्रुतियाँ आप तुरंत थोड़ी समझ पाओगे। 20 साल का जब रियाज होगा भैया, तब जा करके आपको पता लगेगा कि 22 श्रुतियाँ कैसी है, सा और पा की कितनी श्रुतियाँ हैं, रे की कितनी श्रुतियाँ, चार श्रुतियाँ किस स्वर की है, दो श्रुतियाँ किसकी है, तीन श्रुतियाँ किस स्वर की है, तब 22 श्रुतियाँ बनती है। 22 श्रुतियों के समन्वय से 7 स्वर बनते हैं, अरेगा धानी को मलबूसी में बनते हैं। तो इसको समझने के लिए बड़े गहन अध्ययन की ज़रूरत है। जब आपको कम से कम संगीत की साधना करते हुए 20 साल हो जाए, गुरु जी की शरण में बैठ करके आप नियमित रूप से जब साधना करते, तब जा करके इन बारीकियों का पता लगता है। तुरंत पता नहीं लगता, और YouTube पे तो पता लग ही नहीं सकता भैया, ये गुरुमुखी विद्या है, इसको आप सीखिए, गुरु की शरण में जा कर सीखिए। मेरी ये सलाह है, ऐसा मशवरा है जो कि फायदेमंद है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि बांसुरी में जो धागा लगाया जाता है, इससे क्या, इससे कोई फर्क पड़ता है, फायदा है? बहुत फायदा है भैया। आप बगैर धागे की बांसुरी बजाते रहिए, हैं, और बजाते बजाते आप देखेंगे कि वो बजाते बजाते वो कट 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 करके बोल जाती है, 3-4 टुकड़े हो जाते हैं एकदम, सांस में इतना दम और इतना, मतलब उसमें जो सर्दी का और मौसम का जो सर्द गर्म होने से जो ना उसका तापमान का जो असर पड़ता है उससे फट जाती है। और धागा लगाने से ये है कि उसमें स्थिरता बनी रहती है, मजबूती बनी रहती है, यही कारण है। और दूसरा ये भी है कि भाई देखने में भी अच्छी लगती है और ताकत बांसुरी के लिए एक मजबूती भी मिलती है।
अच्छा, ट्यूनिंग ऑफ फ्लूट के बारे पूछ रहे हैं कि बांसुरी कभी जैसे तो उतर गया है सुर कुछ, तो उसको क्या चढ़ा है, तो उतरा हुआ तो चढ़ सकता है क्या, चढ़ा हुआ उतारा जा सकता है चढ़ा हुआ भी उतरा पर्टिकुलर, हाँ, मतलब पूरी कोई बांसुरी में फर्क नहीं पड़ा लेकिन कुछ एक स्वर का कुछ भी फर्क स्वरों का पड़ा। फर्क है तो उसको 19-20 किया जा सकता है, लेकिन उसको बड़े तजर्बे की जरूरत है। अगर इसको सीखना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ देखो, है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें सा रे और गा चढ़ गए थे। अच्छा, इसमें ये जो आउटर, इसमें आपने वो लगा रखा है थोड़ा बांस के बहुत। टुकड़े काट के लगाए हैं, अच्छा, ये इसमें, अच्छा इस पर चढ़ गए थे तो आपने इसको उतारने के लिए उतार कहीं से, उतारने अच्छा के लिए देखो, इसमें मैंने बांस के टुकड़े काट करके लगाए हैं। ये उतारने का तरीका हाँ, होता है। उतारने का तरीका है। अगर इसको सीखना है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, आप नहीं सीख सकते। देखो बड़ी गौर से देखो आप, कैसे बांस के टुकड़े इसमें किए हुए मैंने सेट है। अगर चढ़ गया, क्या कहते हैं, उतरी हुई है तो उसको उसको उसका तरीका भी यही है, उसको बड़ा करना पड़ेगा, और चढ़ी हुई है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। तो ये तरीका है इसका, लेकिन इस बड़े तजर्बे की बात है। अच्छा, ये जो से नीचे आपकी बांसुरी में कई बार आपने टेप लगा रखी होती है जैसे पंचम की साइड, तो ये क्या है इसमें काम आपका? पंचम को ट्यून करने के लिए अच्छा, एक मज़े की बात देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ये आप दिखा दो जरा, हाँ, ये देखो, ये देखो, थोड़ा ऊपर ऊपर उठेगा, पीछे कर ले हल्का सा, राइट साइड, मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपने इसको हाफ करके बंद कर दिया हाँ, है, अच्छा ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। बांसुरी वाले को सबसे ज्यादा परेशान कौन सा सुर करता है? बांसुरी वाले को सबसे ज्यादा परेशान करता है पंचम। मौसम के चेंजेस, हाँ, पंचम बहुत परेशान करता है। अगर पंचम को ट्यून करना नहीं आया तो या तो उसको सांस के दम पर ट्यून करो, या उसके लिए आपको कोई टेक्निक करनी पड़ेगी। बांसुरी वालों को पंचम बहुत परेशान करता है भैया। कोई कोई बांसुरी ऐसी है जिसका पंचम तंग नहीं करता, लेकिन अमूमन तंग करता है पंचम। तो ये आपने इसका पंचम के ये नीचे ये जो ये चढ़ गया था तो होल उतारने के होता है लिए इसको बंद मैंने, करके आपने उतारा। हाँ, उतार दिया अच्छा, इसको। इसमें जैसे आपने देखा होगा पुरानी बांसुरियों में, ये भी सवाल कई बार होता है कि जैसे हम ब्लोइंग हमारी जो फिंगर्स पे हैं, ये तो 6 सुराख हैं, तो पहले बांसुरी पे नीचे एक्स्ट्रा ये सुराख नहीं होता था, अब ये आने लग गया, तो ये अगर इस सुराख को ना करते या होता तो फर्क क्या पड़ता, ये क्यों करना पड़ा सुराख, पंचम को ही ठीक करने के लिए सुराख करना पड़ा। बांसुरी की लेंथ हाँ बढ़ गई तो मध्यम की तरफ हाँ चली गई है। हाँ मध्यम बन जाता है। अच्छा उसको ट्यून करने के लिए ही यहाँ पर हमने, क्या कहते हैं, इसका ये पंचम का सुराख करते हैं अक्सर बांसुरी में, ये करते हैं, नहीं तो वो मध्यम बन जाता है उसको ट्यून करने के लिए। और इसी में ट्यून करने में अगर ये छोटा बड़ा हो गया तो ये परेशान तो करता पंचम है, गड़बड़ हो जाएगा। पंचम गड़बड़ करता, या नीचे ऊपर हो गया तो, या जैसे सुराख यहाँ यहाँ हो गया तो गड़बड़ करेगा, यहाँ हो गया तो गड़बड़ करेगा, इधर को हो गया इधर को, इसका बड़ा बड़ा ही, मैं ये कहूँ कि जिसके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है वही ही अच्छी बांसुरी बना सकता है, और सबके बस की बांसुरी बनाने की क्षमता सब में नहीं है, और अच्छी बांसुरी मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। अच्छा, यही जो है नीचे वाला जो होल है, इसमें ही जो है क्लिप लगा करके आकर के पन्नालाल घोष जी ने किया था ना चेंज को, पंचम के बाद वो मध्यम नहीं करा, नहीं ये उन्होंने इसने किया, उन्होंने रघुनाथ कुछ, सेठ जी ने किया था, हाँ उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये प्रयोग तो रघुनाथ सेठ जी ने किया है सबसे उसी पहले। होल के लिए की लगा दी थी हाँ, की पन्नालाल लगाई थी उन्होंने, रघुनाथ सेठ जी ने ये प्रयोग किया था। रघुनाथ सेठ जी, हाँ और एक बाद में भी ये हुआ हाँ कि आजकल अंगूठे की तरफ भी एक हाँ होल आ रहा है। हाँ और उनको तो आप पन्नालाल घोष जी का नाम लेते हो तो वो तो एक अवतारी पुरुष थे। हाँ, वो तो उनका स्थान तो कृष्ण भगवान के बाद है। तीन सप्तक में अगर कोई बांसुरी ठीक ढंग से बजा सका है आज तक, तो वो सिर्फ पन्नालाल, स्वर्गीय पन्नालाल घोष जी ही है ऐसे, जो तीनों सप्तक में जिनकी बांसुरी जाती थी, बाकी कोई नहीं ले जा सका। यही कह रहे हैं एक, क्योंकि आजकल अंगूठे से
बजने वाला पंचम भी आता है यूट्यूब पे देखा था। हाँ हाँ है है है। और एक सवाल ये कि सर्दी और गर्मी में बांसुरी को कैसे बचाएं, श्वेता जी ने पूछा, तो इसके लिए मैंने वीडियो डाली है सर्दी। हाँ हाँ बहुत कुछ आपने बताया। मेंटेनेंस पे एक वीडियो आएगी, आप उसका वेट करना, उसमें श्वेता जी उसको सारा आंसर मिल जाएगा। अच्छा तो ये बांसुरी का आज का हमारा सेशन अभी तो आज इस सेशन को यहाँ ही समाप्त करने की हम इजाज़त चाहते हैं। भविष्य में जैसे ही हमारे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर निदेशक महोदय जैसे ही आज्ञा करेंगे तो हम उनके साथ चलने का प्रयास करेंगे। और कोई क्वेश्चंस भी हाँ तो है वो क्या चाहते हैं आगे तो हाँ कमेंट में आगे के लिए भी आप अपने कमेंट में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, उसके आंसर देने की पूरी पूरी भरसक प्रयत्न रहेगा कि उसका सही सही आंसर आपको मिल जाए। बाकी सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये भैया जो संगीत जो है ना ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के सन्मुख बैठ करके गुरु के सामने बैठ करके आप जितना अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं तो इन छोटे छोटे तरीकों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरुमुखी विद्या गुरु के सामने बैठ करके ही इसका अध्ययन चिंतन मनन करोगे तपस्या करोगे तो फायदा बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ लास्ट में भी दो सवाल आ गए हैं, वो ले लेते हैं। हाँ हाँ दे गुरुजी, एक तो संदीप नारंग जी है कि गुरुजी अपर ऑक्टेव में वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में टेक्निक बताएं, इसकी टेक्निक क्या है। और दूसरा सवाल है कि माइक पर बजाते समय बांसुरी की पोजीशन कहाँ रखनी चाहिए। तो आप पहले बता दो, मैं माइक लेकर आता हूँ, आप बता दूंगा उसमें पोजीशन कि ऊपर के ऑक्टेव पे जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि लाउड हो जाता है वॉल्यूम कईयों का बजाते हुए जोर से, तो उसको कैसे वॉल्यूम कंट्रोल करें। और फिर माइक पे पोजीशन, दूसरा सवाल है पवन सिंह जी का कि माइक पे पोजीशन कैसे रहती है, हमें कैसे बांसुरी को रखना पड़ता है माइक पे। माइक पे हाँ माइक लेके कम से कम कुछ यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि 6 इंच की दूरी माइक से होनी चाहिए। माइक का जो मुंह है उसकी 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, इतना दूर माइक रखे। और जैसे ये बांसुरी है, ये है तो माइक का थोड़ा सा ऐसा डायरेक्शन हो ऊपर है, माइक ऐसे सीधा ना हो है, थोड़ा सा ऊंचा हो ऐसे ऊपर से, जैसे कि मैं दिखाऊं, कोई पेन दे दीजिए, पेन माइक ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा माइक कैसा होना चाहिए, ऐसा ऐसे ऊपर से है, या ऐसे साइड से रखे या ऐसे साइड से रखे, क्योंकि यहाँ से जो फूंक आती है, फूंक अंदर जा करके यहाँ यू टर्न करके ऊपर आती है, यहाँ से बाहर आती है, यहाँ से बाहर जाती है, जो बाहर फूंक आती है ना वही फूंक जो ना जब माइक में जाएगी तो वो डिस्टॉर्शन जो ना पैदा करेगी। तो थोड़ा सा अगर साइड को रहे माइक ऐसा, या इधर को रहे थोड़ा सा साइड को ऐसे माइक का मुख, या यूँ रहे, अगर यूँ रहे तो मुंह के सामने आ जाएगा है, ऐसे अगर साइड को रहे मतलब मैं पकड़ लेता हूँ, हाँ ऐसे ऐसे, तो फूंक का जो प्रेशर जो है ना सीधा इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे अगर जाएगा तो दिक्कत होगी। अब जब हाई ऊपर हाई पिच पे अगर ले जाते हो तो हाई पिच पे ले जाते हो थोड़ा सा यूँ पीछे हट जाओ तो उसका बैलेंस बन जाता है, या फूंक भी बैलेंस रखो, फूंक का बैलेंस पूछ रहे हैं। हाँ फूंक का बैलेंस रखना चाहिए। हाँ अब जैसे ये देखो मैंने सा लिया, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने आप को, ठीक है। तो फिर आज के और आज के सेशन को यहीं समाप्त करने की मैं इजाज़त चाहूँगा, भूल चूक के लिए क्षमा करें। और जैसे पहले भी कहा है ये नवोदित कलाकारों के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने हमारे निदेशक महोदय जी ने शुरू किया है, ये बड़ा अच्छा है। और ये जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं है, ये नवोदित कलाकारों के लिए इसका महत्व
है और इसका लाभ आप जितना हो सके आपको मैक्सिमम इसका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और भविष्य में भी इस तरह से आपके सामने आप भेंट होती रहेगी और आपके क्वेश्चन, आपके जो उत्तर प्रश्न होंगे उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इसी तरह से तालमेल हमारा बना रहे। आप ये, आपको ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगता है, आपके उत्साह से और आपकी डिमांड से ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा बन सकता है यदि अगर आप चाहें तो। नमस्कार।